नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। एक तरफ सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों की जमीनों से कब्जे लेती है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर किसानों के जो कब्जे किए हुए हैं उसको नहीं हटपा पा रही है सरकार, जिला प्रशासन, वन विभाग, सिंचाई विभाग। ऐसा ही एक मामला इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ है। RD 599 से 603 तक पश्चिम दिशा में नहर की 260 फुट जगह है, जिस पर किसानों के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर किया हुआ है अतिक्रमण। वहां पर धान व अन्य फसलें बोई हुई है। इसमें विनोद जाट, सरपंच कुलचंदर ने एक शिकायत जिला कलेक्टर, वन मंत्री और वन विभाग को भेजी है। उनका ये कहना है कि RD 599 से 603 RD तक इंदिरा गांधी नहर के पश्चिम दिशा में 260 फुट भूमि पर जो है वन विभाग मसीतावाड़ी के हेड रेंजर जगदीश बिश्नोई की मिली बख्श से वहाँ पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है। नरमा, ज्वार, धान, मक्का वहाँ पर बोया हुआ है, नहीं हटा रहे हैं। वन विभाग और सिंचाई विभाग मिलकर, दोनों विभाग मिले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेंजर के द्वारा लोगों से मिली वक्त कर वहाँ पर फसल बोने की छूट उनको दे रखी है और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, और ज्ञापन सौंप कर कब्जा हटवाने और वहाँ पर पौधारोपण करने की मांग इनके द्वारा रखी गई है। सरपंच विनोद जाट का क्या कहना है, उनसे बातचीत की गई है, आइए सुनाते हैं आपको कि उनकी क्या है पीड़ा। हेलो, आपने जो इंदिरा गांधी नहर है वहां पर किसानों के द्वारा फसल बीजने और कब्जा करने का मामला बताया, क्या मामला है बताइए वो। ये सर मामला ये है कि मैं सरपंच विनोद जाट ग्राम पंचायत कुलचंद्र आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर की RD 599 से हाँ मसीता जी, वाली हेड तक नहर की पूर्व और पश्चिम दिशा में 260 फुट भूमि है। हाँ जी, इस भूमि पर किसानों द्वारा अवैध कब्जा करके फसल बो रखी है। हाँ जी, इस बारे में पिछले वर्ष मैंने अधिकारियों का अवगत कराया तो हाँ जी, क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री नागेश्वर जी मौके पहुंचे। उन्होंने फीता मारकर बोल रोके थे पर हाँ जी, भूमि जी को खाली करवाई थी, तो जी किसानों ने अब दोबारा उस भूमि में पोल रोपे होने के बावजूद भी मक्का चावल की फसल बो रखी है। हाँ जी, तो इस बारे में मैंने कादला जी है DFO उनको अवगत कराया, कलेक्टर साहब को कराया, जो क्षेत्रीय वन अधिकारी जगदीश बिश्नोई हाँ वो जी, जानबूझकर अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। हाँ जी। नहीं तो आप ये कब्जा जो है जहाँ पर वन विभाग की है, जमीन किसकी है, सिंचाई विभाग की है जी? देखो ये जमीन इंदिरा गांधी नहर की भूमि है, जितने नहर चल रही है उतनी तो इंदिरा गांधी नहर की है, हाँ बाकी जी, वन विभाग को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया ये वन विभाग की भूमि है। अच्छा, इस वन क्षेत्र के विभाग, अंदर सन 2000 के अंदर बड़े पेड़ थे, उनकी नीलामी होगी, वन विभाग ने पेड़ काट लिए, हाँ उसके जी, बाद दोबारा पौधारोपण किया गया तो किसानों ने उन पौधों को कामयाब नहीं होने दिया, वो अच्छा साथ साथ अच्छा ठीक उखाड़ते रहे। अब जो है, बड़े पौधे हैं ना वो खेत पड़ोसी उनको हर साल दो चार पौधे अपने खेत के सीध में से काट देते हैं और वो जगह खाली करके आगे नहर तक चले गए। कल मेरे पास आगे जो नाई वाला सूर्य वाला पुल है वहां से भी फोन आए हैं, आगे घोड़ा पुल है वहां से भी लोगों के फोन है। तो सरपंच साहब आपने ये बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, ये मान लो प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति हरी भरी होगी तो हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी, नहर की सुरक्षा रहेगी। अगर आप ये 220 फुट जगह पूर्व और पश्चिम दोनों जगह खाली हो जाएगी ना तो हाँ नहर जी, नहर अपने वजूद पर चलेगी, इसकी इनकम हो जाएगी। नहर का अगर विकास करेंगे ना तो ये पौधों की जो नीलामी होगी बड़े होने पे बेचे जाएंगे उससे इसका विकास हो सकता है। आपने कोई उच्च अधिकारियों को इस संबंध में कोई पत्र लिखा है क्या, शिकायत की है क्या कभी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने राजस्थान के वन मंत्री जी को भी लेटर लिखा है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को लिखा है, DFO जो है हनुमानगढ़ के उनको मैं बार बार मिलकर अवगत कराता हूँ। तो DFO ने कोई संबंध में आपको कहा नहीं भी क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? DFO साहब, DFO साहब ने जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है पहले नागेश्वर जी थे उनको भेजा था, उन्होंने बिल्कुल वाजिब काम किया, किसानों को इस जमीन से बाहर निकाला। उसके बाद में ये जगदीश जी आ गए, इन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत गाइड किया, क्या जी कुछ नहीं है, जबकि मौके पर उनके द्वारा पहले वाले क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा पोल रोपे गए हैं वहां पे, आज भी मौजूद खड़े हैं, उसके बीच में फसल बो रखी है। जी, कम से कम जी अगर मान के चले ना पंजाब सीमा से लेकर मसीतावाड़ी हेड तक
आगे तो मेरे को पता नहीं, हजारों बीघा भूमि पर ये वन विभाग के अधिकारी मिली भगत करके हजारों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं। अब आपकी मांग क्या है जी? मेरी यही मांग है जी, इस जमीन को खाली करवाया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जो किसानों ने इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके अवैध तरीके से फसल बो रखी है, उसको प्रशासन अपने कब्जे में ले, इनके खिलाफ तमाम की कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वन विभाग, सिंचाई विभाग या जिला प्रशासन जो किसानों के द्वारा सरकारी भूमि नहर के साथ साथ लगती है वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को हटाकर क्या वहाँ पर पौधारोपण किया जाता है, क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ काम हनुमानगढ़ जिले में इस नहर किनारे किया जाता है या नहीं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।